नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में 39 विधानसभा में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। चुनावी इतिहास में यह सूची आचार संहिता लगने के एक माह पहले जारी कर दी गई है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। फिलहाल छतरपुर जिले में दोनों विधानसभा सीटों पर जिन उम्मीदवारों को घोषित किया गया उनका विरोध भी शुरू हो गया है। इसका विरोध कोई और नहीं बल्कि पार्टी नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं और नेता दावेदार अपने समर्थकों से करवा रहे हैं। छतरपुर में कुछ भाजपाई ललिता यादव को छतरपुर से टिकट दिए जाने का विरोध और छतरपुर से अर्चना गुड्डू सिंह को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस तरह से फिर भाजपा की गुटबाजी निकल कर सामने आ रही है। ललिता यादव को टिकट मिलने के बाद अर्चना गुड्डू सिंह के समर्थक भाजपा कार्यकर्ता ललिता यादव को टिकट मिलने का विरोध करने शहर के डाकखाने और छत्रसाल चौराहे पर प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए जाने पर जमकर विरोध और नारेबाजी की। उनका कहना है कि केवल अर्चना गुड्डू सिंह ही छतरपुर से भाजपा की सीट जिता सकती हैं और वह पिछला चुनाव काफी कम अंतर से हारी थी, जिससे वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि टिकट उन्हें ही मिलेगी और इसी के चलते उनका यह विरोध निकल कर सामने आ रहा है। पार्टी मध्य प्रदेश ने लगभग 39 टिकट घोषित किए हैं प्रदेश में, उसमें एक छतरपुर का नाम भी है और हम लोग जो आज घोषणा हुई उससे सहमत नहीं है। लगातार 5 बार हमारी छतरपुर विधानसभा में अर्चना गुड्डू सिंह सक्रिय रही हैं, कार्यकर्ताओं की मदद की है, जनता के सुख दुख में शामिल रही हैं और निश्चित रूप हम लोग सोच रहे थे कि इस बार उन्हें फिर से मौका मिलेगा। बहुत कम अंतर से पिछले बार वो चुनाव जीती थी, चुनाव हारी थी मात्र 2300 वोट से और उनका अधिकार बनता था और हम सब कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना भी ऐसी थी कि पार्टी उनको मौका दे और हम सब लोग दिल जान से इस बार उनके साथ लगते उन्हें ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देते भी। निश्चित रूप से निर्णय के जो निर्णय हुआ है इससे हम ना लोग सहमत ना होकर एक बार फिर पार्टी से मांग करते हैं। जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे हमारे देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी ने और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी और प्रदेश के हमारे प्रभारी यशस्वी प्रभारी माननीय मुरलीधर राव जी और जैसा कि चुनाव समिति के हमारे पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी ने और पूरी टीम ने मुझ पर जो भरोसा किया है, छतरपुर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उनको प्रणाम करती हूं और मैं आश्वासन देना चाहूंगी, आपने जो विश्वास किया है, मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं खरी उतरूंगी और छतरपुर से मैं एक सेवक के रूप में छतरपुर विधानसभा का चुनाव जीत करके आऊंगी। छतरपुर की विधानसभा के हमारे मतदाता भाइयों पर, हमारे देवतुल्य हमारे कार्यकर्ताओं पर हमें पूरा भरोसा है कि ये सीट छतरपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झूठी मत जाएगी। नगर पालिका की अध्यक्ष भी रही हूँ, मैं 2 बार छतरपुर से विधायक भी रही हूँ। मध्य प्रदेश सरकार में हमारे शिवराज सिंह चौहान यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें मंत्री बनाया था, मैंने पूरे प्रदेश में और फिर विधानसभा में मैंने बहुत विकास किया था, लेकिन हम जानते हैं कि 5 साल में और भी जो विकास की आवश्यकता होगी उसको पूरा करूंगी। छतरपुर विधानसभा के हमारे देवतुल्य हमारे मतदाता भाइयों ने मुझ पर जो भरोसा किया है, मुझ पर जो अपेक्षाएं रखेंगे उन्हें मैं उन पर खरा उतरूंगी और विकास करने में मैं कसर नहीं लगाऊंगी। उन्हें मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित ही छतरपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी।